बिहार में एक बार फिर सुशासन के दावों की पोल खुल गई है। सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में एक नव निर्वाचित मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने पूनम देवी को उस वक्त गोली मारी जब वो अपने पति के साथ बाजार से लौट रही थी। पुलिस को हत्या के पीछे चुनावी रंजिश की आशंका है। बिहार के कटिहार में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शोरूम से करोड़ों के गहने लूट लिए। 8 लुटेरे हथियारों से लैस होकर शोरूम पहुंचे और शोरूम के मालिक राधेश्याम सोनी को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। यूपी के ललितपुर में 70 साल के एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। बुजुर्ग का नाम हरि कुशवाहा है। हत्या का आरोप हरि कुशवाहा के बड़े बेटे पर लगा है। हत्या के बाद से बेटा फरार है। बताया जा रहा है कि हरि के पास 2 एकड़ जमीन थी और जमीन में हिस्से को लेकर बेटा अक्सर मारपीट करता था। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कॉलेज स्टूडेंट के एमएमएस बनाने और पैसे देने से मना करने पर उसे किडनैप करने का मामला सामने आया है। आरोपों के मुताबिक 3 लड़कों ने पहले तो लड़की का अश्लील एमएमएस बनाया, फिर उसे ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने लगे। जब लड़की ने उन्हें पैसे देने से मना किया तो आरोपियों ने उसे किडनैप कर लिया। झाबुआ में पुलिस ने 400 पेटी अवैध शराब बरामद की है। शराब की कीमत करीब 9 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक शराब की ये पेटियां तस्करी कर ले जाई जा रही थी। पुलिस ने 2 ड्राइवर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के रायबरेली में एक पुलिस वाले पर ट्रक वालों से जबरन उगाही का आरोप लग रहा है। आरोपों के मुताबिक पुलिस कांस्टेबल ने पहले ट्रक को ओवरलोडेड बताकर पैसे मांगे, लेकिन जब ड्राइवर ने पैसे देने से मना किया तो सिपाही ने उसके साथ मारपीट की। पंजाब के अमृतसर में एक शोरूम से 22 लाख की घड़ियां और चश्मे चोरी हो गए, लेकिन चोरों की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि चोर शोरूम में रखी 375 घड़ियां और चश्मे लेकर चलता बना। राजस्थान के झोटवाड़ा में पुलिस ने फरवरी में हुई लाखों की लूट की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने लूट के मुख्य आरोपी जूती बेलोनी को गिरफ्तार कर लिया है। 8 फरवरी को बेलोनी और उसके साथियों ने जेवरात की एक दुकान के मालिक को गोली मारकर 17 लाख रुपए के गहने लूट लिए थे। मुंबई के पास वसई में पुलिस ने रिहायशी इलाके में चोरी के आरोप में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार किया है। धर्मराज शर्मा और प्रकाश गिरी नाम के दोनों गार्ड्स नेपाल के रहने वाले हैं। पुलिस से पूछताछ में दोनों ने वसई में 3 घरों में चोरी की वारदात कबूल की है। पुलिस ने इनके पास से 13 लाख रुपए का सामान भी बरामद किया है। दोनों के खिलाफ गुजरात में भी चोरी के कई केस दर्ज हैं। मुंबई के पास भयंदर में पुलिस ने एमएलए बनकर ठगी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। दीपक मल्होत्रा नाम के शख्स ने भयंदर में एक डॉक्टर को फोन कर खुद को एमएलए नरेंद्र मेहता बताया और 21,000 रुपए की मांग की, लेकिन डॉक्टर को शक हो गया। उसने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद फर्जी एमएलए की गिरफ्तारी हुई।